इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया है। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, मुझे महिलाओं के मामले में फंसाया जा रहा है, मेरे पास महिलाएं वीडियो भेजती हैं, मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही है। मैंने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के तमाम अधिकारियों से शिकायत की। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह बात प्रेस वार्ता में कही है। वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद के खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट में नाराजगी जताई है। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि प्रभारी ने रिपोर्ट भेजी, वो भी बिना जानकारी के भेजी है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने शिकायत की उन्हीं लोगों के बयान लेकर रिपोर्ट भेज दी गई है। सोलंकी ने चुनाव प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोलंकी ने कहा कि सब पार्टियों में घूम कर आए हैं और बोलते कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। मेरे कहने के बाद भी बाड़ेबंदी नहीं करवाई गई, मेरे राजनीतिक विरोधियों को ज्यादा महत्व दिया गया है। चाकसू विधायक सोलंकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष ने बीजेपी को कांग्रेस कैंडिडेट भेज दिए हैं। होटल में भाजपा नेताओं के साथ फोटो है। प्रभारी गोविंद मेघवाल के कहने पर मेरे खिलाफ बयानबाजी की गई है, कांग्रेस को कमजोर करने वालों को सुना गया है। गोविंद मेघवाल ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ दिया, मेरे खिलाफ काफी महीनों से साजिश रची जा रही है। मैं कभी डरने वाला नहीं हूं, हमेशा गरीब युवाओं और दलितों की आवाज को उठाता रहूंगा। जी, आपको लग रहा है आप लगातार वोकल हो रहे थे, आपको दबाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र? देखिए, ऐसे षड्यंत्र तो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, कई महीनों से कई कई तरीके आरोप प्रत्यारोप और तो और ऐसे कई वीडियोज महिलाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इससे न तो वेद सोलंकी पहले दबा था, न दबेगा, न मेरी आवाज़ पहले कमज़ोर हुई थी, न आगे कमज़ोर होगी। जिस तरह से अपनी बात को मैं, मेरे गरीब गरीब जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं, जिस तरह से पहले आवाज़ उठाता था, उसी तरह से आवाज़ को उठाऊंगा। और इस झटके ने एक चीज़ साबित कर दी है कि जो ताकत लगा के जो लोग काम करते हैं वो आगे भी ताकत लगा के काम करेंगे। ऐसे झटके तो फिर दोबारा से आएंगे, ऐसी ताकतें अगर ना कमजोर आवाज को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसी ताकतों से न मैं पहले डरा था और न आगे डर। महिलाओं से कौन क्या बता रहे? महिलाएं पीछे लगाती है ना, वो मैंने दिया ना, बजाज नगर में दर्ज कराया हुआ है भाई मुकदमा। क्या मतलब, क्या मामला सर? कि भाई वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से भेजती हैं, जो महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, वो भेजा है मैंने बजाज नगर में, लिखा हुआ है। तो आपको क्या हनी ट्रैप में फंसाने का? अरे भैया, कुछ भी करा सकते हैं, आवाज को दबाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात अभी इसी चीज की हो रही है कि जो भी चीज है किसी स्थिति तक कोई भी चीज जा सकता है, लेकिन जो आवाज है पूरे राजस्थान के अंदर, जो युवाओं की, गरीब की, दलित की जो आवाज है, उसको जिस तरह से मैं पहले उठाता रहा था, आगे भी इसी तरह से उठाता रहूंगा। क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस के परिवार में रहते हुए जिस तरीके की जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो पार्टी आलाकमान को अब संज्ञान ले लेना चाहिए कि इस तरीके की घटना जब आपके साथ हो रही है तो फिर पार्टी के छोटे नेताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होगा? देखिए, ये सब चीजें राजस्थान की जनता देख रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन आदमी किस तरह के लोगों को प्रलोभन देकर किसके खिलाफ कर रहा जा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों के खिलाफ थे उन लोगों को बोला जा रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को दे दी जाए, ये सुना था ना आपने? मैंने थोड़ी कहा है, ये बुला के बुला रहे थे ना वहाँ पे। जी, आपने जो नहीं, ऐसी बात नहीं, व्हाट्सएप पे वो सारी चीजें मैं बता दिया ना, मैंने उसमें लिखा हुआ है सब चीज। अश्लील वीडियो कॉल आया था आपके पास व्हाट्सएप पर? वो आया था, वो सब चीज मिल जाएंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो नंबर मिल जाएगा, वो सब चीज मिल जाएंगी। ये चीजें पहले मैं दर्ज करा चुका हूँ, बोल तो रहा हूँ कि दर्ज कराई है सब चीज, हमें भी बता दें। वो आप वहाँ से लें, ज्यादा ठीक रहेगा। पीड़ित आप है, आप बता सकते हैं बेहतर। पीड़ित तो मैं था, तो मैंने बता दी थी अपनी चीज, जहाँ पता नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश जी, आप सरकार में, आप सरकार के विधायक हैं, सरकार आपकी है, गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है, बड़े अधिकारियों ने दो महीने से जरूरत नहीं समझी आपके बयान लेने की, तहकीकात करने की, तो क्या अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया आपको ब्लैकमेल करने के लिए? मुखर हो रहे थे सरकार के खिलाफ, FIR भी दर्ज हुई है? नहीं, हो सकता है हो गई हो, लेकिन क्या कह रहा हूँ, दो महीने में। लेकिन मेरे पास में एक बार ही पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट वगैरह लेना था वो ले लिया था, उसके बाद में आज तक नहीं आया, जबकि मैंने कहा था इसका पता लगना चाहिए। अगर सर मामला जब दर्ज होता है तो FIR की कॉपी दी जाती है, आपको FIR की कॉपी? नहीं, कॉपी नहीं दी। ऐसे मत करो, क्या करो? मुझे कॉपी नहीं दी। एक सीरियस सवाल है सर, मीडिया के सामने आप